तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ आपको सैमसंग A30, A50, A70 जितने भी जो सीरीज है, इस पर वन यू आई 2.0 का अपडेट आ चुका है। उसके अंदर जो सैमसंग का खुद का वीडियो प्लेयर होता है, उसको कैसे यूज़ करें, क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग है, पाइप मोड का कैसे यूज़ करेंगे, डिस्प्ले पे मूवीज वीडियो कैसे प्ले करेंगे और दूसरा काम भी करते रहेंगे, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ कुछ हिडन सेटिंग्स। तो दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एचए टेक्स में। इसके बारे में बताने वाला हूँ जो कि सैमसंग में इंस्टॉल नहीं होते हैं या प्री में इंस्टॉल होते हैं तो आपको कुछ मोबाइल में इंस्टॉल करना रहते हैं। तो आपको बता देता हूँ, पहले तो चलते हैं गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद मैं कोई सी भी अपने एक वीडियो प्ले करता हूँ तो आपको बता देता हूँ कैसा मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे मेरी वीडियो प्ले हो रही है, आप देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो में कुछ स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये स्क्रीन शॉट ले लेगा उस चीज़ का। और अगर आप चाहते हैं उसको स्ट्रेच करना या अपने हिसाब से वीडियो को पूरा मैनेज करना, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। देन ये वाला जो फीचर मैं बताने वाला हूँ, ये पाइप मोड, आप अपने हिसाब से इसको इनेबल कर कहीं भी इसको सेट कर देंगे। एंड देन आप कुछ भी करते रहिए तो ये वहाँ से हिलेगा नहीं। आप जो भी चलाना है चलाइए, यूट्यूब चलाना है यूट्यूब चलाओ, तो ये आपकी वीडियो वहाँ प्ले होती रहेगी, वहाँ से हटेगी नहीं। तो इस फीचर को बोलते हैं पाइप मोड। तो इसको इनेबल कैसे करते हैं, तो उसके लिए करना क्या रहता है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये प्री इंस्टॉल रहता है। अगर आपके मोबाइल में नहीं रहता प्री इंस्टॉल तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप का मैं बता देता हूँ कैसे डाउनलोड। किस नाम से लाइक ये मेरे वीडियो प्ले करिए, आप देख रहे हैं ये वीडियो प्ले के ऊपर ही आपको जो थ्री यो मिल रहे हैं दो, आपको उस पर क्लिक करना है तो ये पाइप मोड पे खुल जाएगी वीडियो और आप इसको प्ले कर पाएंगे। अगर ये आपके मोबाइल पे वर्क नहीं करता है तो आपको करनी होगी एक ऐप डाउनलोड सैमसंग की, जिसका नाम है सैमसंग वीडियो प्लेयर, जो कि आप देख सकते हैं ये वाली लेआउट उसका है, इस लेआउट में आपको दिख रही है, आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप चाहते हैं तो वीडियो का इंटरफेस भी चेंज कर सकते हैं, एंड देन यहाँ सर्च भी मार सकते हैं वीडियो के नाम से, और आप चाहें तो यहाँ पर दो वीडियो को एक में कॉलाज भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड देन एडिट करके सिलेक्टेड वीडियो भी कर सकते हैं प्ले में। तो आप ये सब चीज़ें इसमें कर सकते हैं इस प्लेयर में। आपको करना क्या, जैसे प्लेयर में आ गए आपने, यहाँ पर कोई भी वीडियो प्ले करी करने के बाद जैसे वीडियो प्ले हो रही है, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। आप इसको बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से कर दीजिए बड़ा, लाइक इसको कर दीजिए बड़ा, तो यहाँ से हो जाएगी बड़ी वीडियो। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए रोटेट, तो यहाँ से हो जाएगी रोटेट। आप चाहते हैं बीच में इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना तो आपको जाना होगा यहाँ पर जो मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। एंड देन आप चाहते हैं उसको पाइप मोड में ओपन करना तो ये पाइप मोड में वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इजीली यहाँ से कुछ भी कर पाएंगे। दोस्तों ये जो फीचर था मुझे लगा कि आपको बता नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन ये फोटो से भी आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।